हेलो सब बंधु गाइस, कैसे हो आप सभी? तो गाइस आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और रही बात सबसे पहले ब्रेकर्स लाइव की बात करते हैं, तो गाइस ब्रेकर्स लाइव को पढ़ाई का ट्यूशन का बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, तो उसकी वजह से वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है चैनल के ऊपर। बट मैंने उसको सजेस्ट किया क्यों ना उसके चैनल के ऊपर एक ट्यूटोरियल डाला जाए, तो उससे हमको ट्यूटोरियल बना के दिया और मैं यहाँ पे गाइस कर रहा हूँ उसके ट्यूटोरियल के ऊपर वॉइस ओवर, ठीक है। और उसी के साथ में गाइस मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग मेरे को जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हो मेरा भी एक चैनल है जिसके ऊपर गाइस मैं ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको बहुत सारे मोन्टाज के इफेक्ट सीखने हैं या फिर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने, तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लेना। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो गाइस अभी फिलहाल गाइस हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेना है। तो गाइस जैसे आपका आफ्टर इफेक्ट ओपन हो जाएगा तो आपको ऐसी कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जो गाइस जो सबसे मेन चीज़ है वो गाइस है प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। वो आपको गाइस ब्रेकर्स लाइव के डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अभी मैं आपको उसको एडिट करना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस जो सबसे पहला चीज़ है वो यहाँ पे एंटर एनी क्लिप्स, ठीक है। तो गाइस जितने पार्ट के अंदर जो फर्स्ट वाला पार्ट चल रहा है उतने वाले क्लिप के जो पार्ट है उसके अंदर आप कोई भी क्लिप डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो आपका जो स्कोप से जो पहले वाली क्लिप है वो डाल सकते हो, या फिर आप जो चाहो, ठीक है, कोई भी क्लिप डाल सकते हो रैंडम से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गाइस रैंडम क्लिप भी डालोगे ना तब भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा ओपी बनने वाला है। और जो सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है तो उसके बाद में जो गाइस स्कोप वाला पार्ट है इसके अंदर गाइस जितना पार्ट हमने रखा है सेम उतने पार्ट के अंदर आपको अपना स्कोप ओपन करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद में गाइस यहाँ पे हमारे पास में है आफ्टर शॉट, ठीक है। जब शॉट पड़ जाएगा उसके बाद में क्या करना है, तो उसके बाद में जहाँ पे आपको पॉइंटर है यहाँ से आपको जहाँ पे आपका शॉट पड़ रहा है उसके बाद की पूरी क्लिप यहाँ पे आपको रखनी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, फर्स्ट पार्ट में आप कोई भी क्लिप रख सकते हो, स्कोप वाले पार्ट के अंदर जितना स्कोप आपको ओपन है उतना रखना है, और जो आफ्टर शॉट है उसके अंदर गाइस आपको शॉट के बाद की जो क्लिप है वो आपको रखना, ठीक है। यहाँ पे गाइस बात करते हैं इस बैकग्राउंड की, जो आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है उसको भी एडिट कैसे करना है वो भी यहाँ पे पूरा मतलब आपका बंदोबस्त करके रखा है ब्रेकर्स लाइव ने। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है आप इसके कलर चेंज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है चेंज कलर करके, तो यहाँ पे आप इसको कलर भी चेंज कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे गाइस यहाँ से भी आप मतलब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कलर चेंज कर पाओगे। यहाँ पे मैंने गलती ये कर दी, रिकॉर्ड करते टाइम पे मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरा जो पॉइंटर है वो वाइट के ऊपर है, तो मैं बार बार चेंज कर रहा था बट मैं भूल गया था, ठीक है। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रहा था तब मेरे को याद आया कि वहाँ पे मैंने गलती कर दी थी। तो आपका जो भी आपको कलर है उसी हिसाब से आप वहाँ पे रख लेना, आपका सारे कलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एंटर सॉन्ग लिरिक्स, यहाँ पे आप सॉन्ग की लिरिक्स मतलब लिख सकते हो, जो नाम है वहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ और लिखना है तो आप वहाँ पे भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ में गाइस यहाँ पे हमारा जो सिंबल वाला ऑप्शन है यहाँ पे गाइस आप चाहो तो अपने यूट्यूब का लोगो लगा सकते हो, जब अपना शॉर्ट पड़ेगा तो उसके बाद में आपका यहाँ पे यूट्यूब का लोगो चमकेगा, ठीक है, ऑसम सा, ओपी सा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो सेम सेम कलर वाले चीज़ें हैं उनको साथ साथ में चेंज करना है, जैसे अगर येलो येलो है तो उन दोनों को साथ में चेंज करना पड़ेगा, एंड ग्रीन ग्रीन है तो उन दोनों को साथ में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गाइस आपने देखा बीजीएमआई का मैंने नाम चेंज किया फट से कुछ का, जो भी आपको रखना हो, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने फिलहाल इस तरीके से रखा है, बट बाद में आपको जो भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपको जो भी रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हो। और गाइस उसी के साथ में गाइस जो हमारा स्कोप वाला पार्ट है वहाँ पे आप मास्क देखोगे तो आप जैसे उस वाले जो क्लिप है उसके अंदर अगर आप अपना जो भी आपकी क्लिप है जो प्री कंपोज है उसके अंदर अगर आप अपनी क्लिप रखोगे तो ऑटोमेटिकली मास्क आ जाएगा। बट अगर आपका स्कोप छोटा है बड़ा है अगर, ठीक है, 4x वगैरह है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मास्क भी अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसी के साथ में गाइस अगर आप देखोगे एकदम ओवरऑल आपको पूरा चीज़ मिल जा रही है, बस आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है और आपका एकदम ऑसम सा इफेक्ट रेडी होके मतलब रेडी होकर तैयार हो जाएगा, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ बट आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको कहीं पे भी पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद मतलब कहीं पे क्या पूरी वीडियो भी बहुत ऑसम सी, तो आई होप कि आपको मतलब पूरी वीडियो पसंद तो आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, ब्रेकर्स लाइव के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर अगर आप मेरा चैनल चेकआउट करना चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और बस हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।